Coming right across to Uttar Pradesh, Health Minister Siddharth Nath Singh now addressing the media. जो कल से घटना जो बच्चों की मृत्यु की आ रही है वो बड़ी गंभीर और संवेदनशील है और उस संवेदनशीलता को देखते हुए गंभीरता को देखते हुए आज सुबह ही तड़के मुख्यमंत्री जी ने आशुतोष टंडन जी जो कि चिकित्सा शिक्षा के मंत्री हैं और मुझे स्वयं अपने घर पे निवास पे बुलाया और उन्होंने हम लोग से बातचीत करी कुछ बिंदुओं को किस प्रकार से उसको हम लोग को ध्यान देना है और साथ ही साथ ये भी निर्देश दिया कि हम लोग सुबह तुरंत गोरखपुर जाएं और इस गंभीर विषय पर हर पहलू को ध्यान से देखें। आशुतोष जी और हमारे साथ प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा आए और कल रात में ही डायरेक्टर जनरल मेडिकल एजुकेशन वो भी कल आ गए थे, रात में ही आ गए थे और हम लोगों ने लगभग 3.5-4 घंटे से हर पहलू को बारीकी से देखा है, समझने का प्रयास किया है। इसके अंदर एक चीज और भी जो सामने आती है जिसका मैं पहले जिक्र कर दूंगा कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी योगी जी 9 जुलाई को भी बीआरडी आए थे, यहां पे विस्तार से उन्होंने चर्चा की थी, यहां के सभी अधिकारी डॉक्टर्स प्रिंसिपल्स और बाकी लोग भी थे, 9 अगस्त को भी आए थे। मगर एक विषय जो सामने आना चाहिए था वो अहम है और क्रिटिकल भी है, वो गैस सप्लाई का किसी ने रखा नहीं था। लेकिन हम लोगों को ये भी आप लोग सब जानते हैं कि बीआरडी जो कॉलेज है यहां पे 950 बेड्स का हॉस्पिटल है, यहां पे गोरखपुर से ज्यादा बगल के डिस्ट्रिक्ट्स के लोग भी आते हैं, पेशेंट्स आते हैं, वो ही नहीं बिहार के भी आते हैं और नेपाल से भी आते हैं। और कुछ आंकड़ों पे भी हमने समझने का प्रयास किया क्योंकि जब बच्चों की डेथ के बारे में आता है कि 20-23 बच्चों की डेथ हुई है एक दिन के अंदर तो चौंकाता भी है और चौंकाना भी चाहिए और ये सरकार संवेदनशील सरकार है, एक भी बच्चे की भी हो तो उसके बारे में जानकारी पूरी होनी चाहिए कि कहीं लापरवाही कोई हो रही है या नहीं हो रही है और उस पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा हम लोगों को निर्देश भी दिया हुआ है योगी जी ने। और इसीलिए हमने कुछ फिगर्स भी निकलवाए जो आपके समक्ष में रखना चाहूंगा जिससे आप लोगों को भी समझने में आसानी होगी। कोई इसको जो 23 डेथ हुई हैं एक दिन के अंदर उसको हम कम आंकने का प्रयास नहीं कर रहे हैं क्योंकि संवेदनशीलता पूरी रखनी है। 2014 से कुछ निकलवाए और अगस्त के महीने में ऐसे पूरे साल का है वो आप अलग से भी चाहेंगे तो दे दूंगा।
अगस्त के महीने में जो पीडियाट्रिक होते हैं, मतलब बच्चों के सेक्शन के अंदर जो मौतें हुई, वो अगस्त के महीने 2014 के अंदर 5, 6, 7 थी, और उसका 30 से मैं गुणा करूं तो 19, लगभग 19 प्रतिदिन होता है। 2015 में अगस्त के महीने में 668 मौतें होती हैं, जो एवरेज निकलता है वो 22 का निकलता है प्रतिदिन, और 2016 में वो 587 बनता है, और उसका आंकड़ा कहीं पर प्रतिदिन बनाऊं बनते हैं तो 19.5 बनते हैं। मैं फिर से कह रहा हूं कि ये इसलिए नहीं है कि उस चीज को हम कम आंक रहे हैं, मगर समझने का प्रयास कर रहे थे कि आगे जाके निष्कर्ष कैसे और चीजों का निकाला जाए। तो ये देखा गया कि अगस्त के महीने में हो या साल भर के भी आंकड़े हमने निकाले, तो साल भर में भी हमने देखा कि 2014-15-16 के अंदर जो एवरेज प्रतिदिन साल का भी है वो इस कॉलेज के अंदर बीआरडी अस्पताल के अंदर कोई 17-18 प्रतिदिन निकलता है, और उसका कारण भी मैंने बताया, क्योंकि यहां गोरखपुर के नहीं बीआरडी कॉलेज में जो पेशेंट्स आते हैं और बच्चे आते हैं वो अनेक डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, बिहार से भी आते हैं, नेपाल से भी आते हैं, और ये भी मानना पड़ता है कि जब मेडिकल कॉलेज खाली बीआरडी में नहीं कहीं भी आते हैं, मेडिकल कॉलेज कहीं भी देश भर में भी होएगा तो वो लास्ट स्टेजेस में ही आते हैं गांव के लोग, क्योंकि जो फर्स्ट ट्रीटमेंट जो सेंटर्स होते हैं वहां पे उन लोगों को इलाज पूरा नहीं मिलता, ना ही वो उस उपचार के लिए उन लोग सक्षम हैं, तो इसलिए आते हैं। और ये कारण भी है जो डेथ्स के दिखते भी हैं, वो कहीं भी खाली बीआरडी नहीं होएगा, किसी भी कॉलेज में आप जाएंगे मेडिकल कॉलेज में तो आपको यही आंकड़े इस तरह से एक ट्रेंड दिखेगा। तो एक तो ये विषय था कि हम लोगों ने जो आंकड़े निकाले उसके हिसाब से फिर हमने जांच करनी शुरू करी, क्योंकि विषय जो आ रहा था कि जो गैस सप्लाई है वो बाधित हुई, पहले देखा कि ये बहुत ज्यादा संख्या दिख रही थी वो क्या अलग है, मगर एक ट्रेंड देखा, फिर उसकी जो 23 जो डेथ्स हुई हैं उसके बारे में भी हमने देखा कि किस किस कारण से हुई हैं, और उसके अंदर भी जो निकला कि जो बच्चे जो न्यूनेटल होते हैं उसके कारण है, कुछ है जो एईएस के कारण है, कुछ बच्चे जो इन्फेक्शन है उसके कारण है, एक बच्चे का लिवर फेलियर भी था, तो ये सब चीज भी हम लोगों ने जांच में देखी, रिपोर्ट के आधार पर मंगवाई थी। साथ ही साथ मित्रों, क्योंकि विषय आया गैस सप्लाई का जो बाधित हुई है, उसके अंदर भी हम लोगों ने विस्तार से उसके हर पहलू पे नजर रखी, और नजर के साथ साथ उसके कागज भी देखे। जो गैस सप्लाई 10 तारीख को 7:30 बजे जो एक गैस सप्लाई जो आती है वो लिक्विड गैस सप्लाई आती है, और लिक्विड गैस सप्लाई कहीं लो होने लगती है तो वहां पे मीटर लगा रहता है जो बीप करता है, 7:30 बजे शाम को वो बीप करना शुरू किया, जिसका मतलब कि गैस सप्लाई लो होने लगी। लेकिन साथ ही साथ व्यवस्था यह रहती है कि जब गैस सप्लाई किसी भी कारण से लो हो तो गैस सिलेंडर्स लगे रहते हैं, वो गैस सिलेंडर्स
तुरंत उसका जो स्विच होता है वो चेंज कर देंगे तो तुरंत गैस सिलेंडर से भी सप्लाई आने लगती है। वो व्यवस्था तुरंत शुरू हो गई थी 7:30 बजे, लेकिन ये व्यवस्था 11:30 तक की ही चली। जो गैस सिलेंडर के आधार पर गैस मिल रही थी, जिसके कारण वेंटिलेटर्स चल रहे थे, 11:30 से 1:30 बजे तक की वो जो गैस सिलेंडर थे वो पर्याप्त मात्रा में ना होते हुए वो उसमें गैस जो थी खत्म हो गई। लेकिन गैस जो लिक्विड गैस जो आ रही थी पाइप वाली वो लो थी, तो तुरंत उसको देखते हुए ये व्यवस्था करी गई कि एम्बू बैग्स जो होते हैं उसको पंप करना शुरू कर दिया था। 1:30 बजे बाकी जो गैस सिलेंडर्स की सप्लाई थी वो आ गई थी, और वो अभी तक गैस सिलेंडर्स की जो सप्लाई है वो कंटिन्यूस आ रही है और उसके आधार पे चल रहा है। लिक्विड गैस की सप्लाई नहीं चल रही है, मगर गैस सिलेंडर्स जो है उस पर चल रहा है, पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और भी उसकी व्यवस्था करी जा रही है। तो इस दौरान भी हमने जांच जो करने के लिए मैं और हमारे मेरे सहयोगी मित्र आशुतोष टंडन जी आए हैं, हम लोग ने इस पहलू पे भी देखा। 7:30 बजे से लेकर 10:05 तक की 7 बच्चों की मौतें हुई, मगर गैस सप्लाई की कमी नहीं थी। 10:05 पे बच्चे की मौत होती है और अगली जो मौत होती है उस पर भी ध्यान दिया, वो 11 तारीख के सुबह 5:30 बजे होती है, जिसका मतलब कि जो 11:30 बजे से 1:30 बजे तक की गैस सिलेंडर नहीं थे, अंबू जो सिस्टम जो था पंप कर रहे थे उस दौरान नहीं हुई थी। तो इन चीजों के ऊपर भी हम लोग ने विस्तार से एक एक रिकॉर्ड्स को चेक करते हुए इस निष्कर्ष पे आए कि गैस सप्लाई जो थी वो बाधित हुई। उसके कारण अनेक है। मेरे मित्र जो है, क्योंकि उनके चिकित्सा शिक्षा के अधीन ही ये बीआरडी कॉलेज आता है, वो विस्तार से उसके बारे में भी बताएंगे। लेकिन जो जांच में जो आया वो मैं कह सकता हूं, जो हम लोग निष्कर्ष पे आए हैं कि गैस सप्लाई या गैस जो बाधित हुई थी उसके कारण बच्चों की मौत नहीं हुई है, और बाकी जो है क्या कार्रवाई करने वाले हैं, क्योंकि विभाग हमारे मित्र का है, आशुतोष टंडन जी का है, तो उचित ये भी होएगा कि वो उस पर आपके बीच में अपनी बात रखें। उसके बाद आप लोगों के अवश्य प्रश्न होंगे तो मैं हम दोनों मिलकर उसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। आशुतोष जी, स्वास्थ्य मंत्री माननीय श्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी ने, जो कि हमारे मंत्रिमंडल के प्रवक्ता भी हैं, पूरे प्रकरण पर सिलसिलेवार सब तथ्य बताए आपको। ऑक्सीजन सप्लाई जो बाधित हुई, जो हम लोगों की जानकारी में आया है 11:30 से 1:30 बजे तक, और 7:30 बजे से उसका प्रेशर कम हुआ तो गैस सिलेंडर से वो सप्लाई की गई जो अब तक चल रही है। ये बाधित क्यों हुई, इसमें जो जानकारी आई है, जो डीलर हैं उनका कोई भुगतान बाकी था, जिसके लिए उन्होंने 1 तारीख को प्रधानाचार्य को कोई पत्र लिखा था, 1 अगस्त को। उस पत्र को उन्होंने अग्रसारित किया शासन में, सूचना जो है
Dave Mishra, principal of the BRD College, BRD Hospital is where 62 children died because of gross negligence. But the Yogi government giving itself a clean chit. They've said that the death is not due to the lack of oxygen or disruption of oxygen supply. Though the health minister of UP has agreed and revealed that there was no liquid oxygen supply between 11:30 p.m. and 1:30 p.m. on the set time, and gas cylinders were not working and hence there were manual pumps used. He's also gone on to say that there was no death which occurred during that period. My colleague Moshmi is also joining us. Moshmi, if this is true and if the Yogi government claims that there is no death due to lack of oxygen of this 62 innocent lives, then why is it that autopsy wasn't done on these children to know the actual truth? The entire press conference, that proves that you are the judge and you are the prosecutor. So you are holding your own courtroom and you are pronouncing the judgment. That's very fine. But the question really is, the question that we are asking is, we have spoken to the victims. If there was nothing to hide, why did the hospital authorities tell the victims' families, please go out from the back door, don't make noise, we are not going to give you even a prescription of what treatment we have given and what is the cause of the death. Please do not ask for any papers. Do they know that no papers have been given to victims' families? They've gone without even a piece of paper after being handed over the dead body quietly and told to go out from the back door. All the bodies were got off together early in the morning on Friday. And then all the victims' families were told to take it from the back door. They were told not to make any noise. They were told not to protest. Why did the administration behave in a clandestine fashion? That's what the company needs to answer. Also, Moshmi, different versions. Because you had 9th August when Yogi Adityanath visited the same hospital. Health Minister goes on to say of the same state that the Chief Minister wasn't made aware of the lack of oxygen by doctors. He does admit that there was a lack of liquid oxygen between 11:30 to 1:30 p.m. But at the same time, we just heard the principal of the BRD College. He said that all dues were paid and there was no lack of oxygen. So what is the real story? What is the real story? And it's often true. When you're trying to hide the truth, you actually say multiple lies and you're caught in your own lies. So here it seems Yogi government is being caught in its own trap. I mean, Devina, this is such a lame kind of a press conference where you're trying to explain that there was, admit also that there's a lack of oxygen, and then you hold the principal accountable and that's it. Does it end there? The DM knew about it. What about the district magistrate? Absolutely. Why didn't he act? Why didn't he press the emergency button? Well, if the oxygen cylinders weren't enough, why does the DM go hullabaloo about that he provided all the help that he could? It just exposes... It's past the bug. It is past the bug, Moshmi. Right. Absolutely. It's past the bug. Because the right hand is saying the left hand did it. Left hand is saying, I don't know what's happening. We also... Okay, you've heard Praveen Modi. Let's also play out the chief medical officer, one of the reactions that we've got for you. कल के पहले उन्होंने चेतावनी दे दिया था कि मैं खत्म कर दूं, उन्होंने खत्म कर दिया था, लेकिन सिलेंडर वाले ऑक्सीजन हमारे पास थे पहले से ही, तो जो सिलेंडर में ऑक्सीजन होता है बड़े-बड़े में वो सप्लाई हमने तुरंत करा दिया था उसमें। बच्चों की मौत की वजह क्या है? आप कह रहे हैं किन्हीं कारणों से मौत हो गई? जो 14 बच्चों की मौत हुई है 11 की रात को, हमारे यहाँ किस वजह से हुई है? ये देखिए, जो भी इंसेफ्लाइटिस में आने कारण से छोटे बच्चे सीरियस होकर के पूरे मंडल से बच्चे आते हैं, तो डेली ही 10 बार मौत होती है उसमें ऐसा नहीं कि ऑक्सीजन की वजह से मौत हुई, ऑक्सीजन की कमी की वजह से डेली 10-12 मौतें ऐसे ही हो जाती हैं। आपका कहना है आपके पास ऑक्सीजन की सप्लाई थी, आपने पूरा इंतजाम कर रखा था? ऑक्सीजन जरूर खत्म हो गया था, लेकिन पहले से ही हमारे पास सिलेंडर के ऑक्सीजन का इंतजाम था और वो अभी भी कंटिन्यूअस सप्लाई हमारे जहाँ इसका डिपो रहता है उसके यहाँ से कंटिन्यूअस सिलेंडर हमारे पास आ रहे हैं। बड़े बड़े लिक्विड खत्म हो गया जरूर, अभी भी खत्म है और उनका पेमेंट भी कल कर दिया गया है, वो देने के लिए राजी हो गए हैं। बताएं कि 24 घंटे 48 घंटे के अंदर लिक्विड ऑक्सीजन फिर से आ जाएगा। All right, also another news coming in. BRD College
principal has now submitted his resignation. That was the reaction that you just heard a short while back from the principal of the college, who has still claimed there was no lack of oxygen because of which deaths happened. He has now submitted his resignation. He was earlier suspended as well. Meanwhile, the manager of Pushpa Sales Private Limited has also spoken to India Today. It is the company that was providing oxygen cylinders to Gorakhpur's BRD hospital. ऑक्सीजन की सप्लाई तो गाड़ी वैसे हमारी चली हुई है, तो मेरे ख्याल से गाड़ी पहुंचने वाली भी है. बंद तो नहीं, हम बंद नहीं कहेंगे इसको, बंद नहीं हुआ है क्योंकि थोड़ा लेट हो गया है. ट्रक चलता है, कहीं बारिश हुई है, कहीं नो एंट्री में खड़ा है, तो गाड़ी तो वहां जा रही है. और दूसरी बात है कि बकाया तो हमारा है 68.5 लाख का बकाया. और कब से ये बकाया है? ये पिछले 6 महीनों से, जनवरी फरवरी से हमारा. आप लोगों ने नोटिस वगैरह दिए? लीगल नोटिस जो हम आपको दिखा रहे दे रहे हैं, और काफ़ी लेटर भी लिखे मौके पर से, ईमेल के थ्रू, और हम वहाँ पे गए भी हैं. तो हमें यही आश्वासन था कि हमें पेमेंट मिल जाएगा. अरे मुझे भी ऐसा लगा कि ऑक्सीजन की वजह से ये डेथ हुई, जिसके बाद कुछ पेमेंट्स वगैरह दिया आप लोगों ने सरकार से? हाँ, कल शाम को, आपका 11 तारीख शाम को 5:30 बजे हमारे अकाउंटेंट ने बताया कि कुछ पेमेंट आई है शाम को.